इंदौर में लंबे समय से रोजगार के सिलसिले से रह रहे बंगाल के श्रमिक लोग आज अपने घरों की ओर लौटे। इंदौर रेलवे स्टेशन से 1300 यात्रियों को लेकर बंगाल के लिए दोपहर 1 बजे रवाना हुई, जिसमें सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की गई और बसों के माध्यम से स्टेशन लाया गया। स्टेशन पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सोशल डिस्टेंसिंग भी यात्रियों से करवाई गई। इस बीच वरिष्ठ रेलवे जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत से HW24 न्यूज की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि रेलवे ने हाल ही में 1 जून से देश भर में 200 ट्रेनों की शुरुआत की है, लेकिन इंदौर में अभी तक किसी भी प्रकार से कोई ट्रेन की शुरुआत नहीं की गई है। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। 1400 देखिएगा, कोरोना जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में एक महामारी के रूप में आया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये लॉकडाउन किया गया था क्योंकि लोगों को बचाना है इससे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठा ना हो। उसके तहत कुछ लोग विभिन्न शहरों में फंसे हुए थे, श्रमिक लोग, जिनको अपने घर जाने की व्यवस्था करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक प्लानिंग किया गया था, जो रेल मंत्रालय और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जाना था। इसके तहत पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन से ही हमारी 3री ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस रवाना हो रही है। इससे पहले 2 ट्रेनों को हम लोगों ने रवाना किया है, इंदौर से रीवा, जिसमें 1480 लोग गए थे, और दूसरी ट्रेन हम लोगों ने रवाना की थी इंदौर से रीवा, जिसमें सतना और कटनी के भी श्रमिक उसमें गए थे, जिसमें भी 1480 लोग थे। ये 3री ट्रेन अभी दोपहर में 1 बजे रवाना होगी यहाँ से, इसमें 1300 से 1400 लोग जाएंगे, और इसमें खास हम लोगों ने ख्याल रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, लोग एक दूसरे के ऊपर टच ना हो और सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे। देखिए, जो भी ट्रेन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमें कहा जाएगा उसको हम लोग चलाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है किसी भी श्रमिक एक्सप्रेस चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के निवेदन पर। ये जो मेडिकल की व्यवस्था है और खान पान की व्यवस्था है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। इन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, पूरा मेडिकल हो रहा है उनका, मेडिकल के बाद में खान पान की व्यवस्था रखी जा रही है, और रास्ते में उनको खान पान का पूरा उनका साधन रहेगा। सर, देखा जा रहा है कि देश भर में 1 जून से 200 ट्रेनें जो है संचालित हो रही है, पर इंदौर और उसके आसपास में अभी किसी भी प्रकार की ट्रेनों की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में। देखिएगा, जो 200 ट्रेनों का अनाउंसमेंट हुआ था उसमें इंदौर की ट्रेन नहीं है। उसका रीज़न हो सकता है कि इंदौर सबसे हॉटस्पॉट शहर है, और आप जानते हैं कि जब कोई भी संक्रामित व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वहाँ पे काफ़ी संक्रमण लोगों तक पहुँचा सकता है। तो आने वाले टाइम में इंदौर से भी ट्रेन का प्लानिंग होगा, लेकिन अभी फिलहाल इंदौर से कोई भी ट्रेन बाहर के लिए नहीं है। और लोगों को हम लोग ये गाइड भी कर रहे हैं, जो लोग ओल्ड पर्सन हैं या 10 साल से कम हैं, वो लोग ना जाएँ और अपने घर में ही सुरक्षित रहें, क्योंकि जो उनको BP है, शुगर है, ये लोग इस कोरोना के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं, जिनको बहुत ज़्यादा संक्रमित करता है। तो ये जो ना जाने का कारण, इसका एक ये भी हो सकता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमण है। सर, रास्ते में अगर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से रिलेटेड कभी जानकारी आती है तो उसमें किस प्रकार से रेलवे की तैयारियाँ हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो मेडिकल की टीम बिल्कुल तैयार रहती है हमारे पास। जैसे कभी ट्रेन चल रही है और आपको पता पड़ा है कि किसी की तबीयत खराब हुई है, तो हम अगले स्टेशन पे उसको डॉक्टर और पूरी टीम मुहैया करा सकते हैं। ये रेलवे का बहुत अच्छा साधन है, जिससे कि हर जगह उनको मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार जयंत, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी पश्चिम रेलवे इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।